हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द 117 में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब आयुषी चार्जेस के लिए यहां पर आउटगोइंग कॉल्स के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। जियो में 6 पैसे प्रति मिनट का यहां पर चार्ज देना पड़ रहा है। इस नियम को लागू होने के बाद बहुत से लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि अब रिचार्ज प्लान क्या होगा, क्या जियो फोन का प्लान वैसा ही रहेगा और आखिरकार कंपनी ने ऐसा क्यों किया, ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं आप सभी लोगों को। बट यहाँ पर और एक पहलू निकलता है कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया, जियो ने ही ऐसा क्यों किया। तो इन सारे सवालों के हम आपको जवाब देंगे। तो अधिक जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज का पूरा वीडियो। देखो भाई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पहले हम क्या करते थे, जियो में अनलिमिटेड रिचार्ज करवाते थे। तो हमारा क्या होता था, बात अनलिमिटेड ही होता था, चाहे हम किसी को भी कॉल करें विद इन हमारे इंडिया में, किसी को भी कॉल करें हमारा अनलिमिटेड होता था। बट अब देख लो, आयुषी चार्जेस पहले भी कंपनी को देने पड़ते थे, अभी भी कंपनी को देने पड़ते हैं। बट अब जियो ने डिसीजन ये लिया है कि आपको ये पैसा आप ही को भरना है, जो चार्जेस 6 पैसे का लगता है प्रति मिनट, ये आपको देना है। पर इतना दिन जियो खुद से दे रहा था, तो यहाँ पर गलती ये है। देखो भाई, जियो जब उतना दिन दे रहा था तो वो अब भी ये चीज़ दे सकता था, क्योंकि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया अभी भी पे कर रहा है। बट यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि जियो का जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जियो से ज़्यादा कॉल जाते हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन से जियो में कॉल बहुत कम आते हैं या फिर आपस में दूसरे नेटवर्क में बहुत कम होता है अगर जियो से कंपेयर किया जाए तो। बट वादा तो वादा होता है। यहाँ पर एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ने यही रिप्लाई दिया है कि हम कस्टमर का वादा नहीं तोड़ेंगे, हम जैसा था हमारा सब चीज़ वैसा ही रहेगा, हम जियो जैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, कोई भी अतिरिक्त पैसा हम नहीं लेने वाले हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पर मुद्दा बना के एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन अपना प्रचार करेंगी कि भाई हमारे पास आ जाओ, हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे। देखो भाई, यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर है कि जब एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन पैसा नहीं ले रही एक्स्ट्रा, तो जियो को भी नहीं लेना चाहिए था। जब आप इतना दिन फ्री दे रहे थे कस्टमर से, वैसा आपने वादा किया था, तो आप निभा सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि एक्स्ट्रा पैसे की, तो बहुत कम जो लोग कॉल करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर देखा जाए तो जियो टू जियो ही ज़्यादा कॉल आज के डेट में होता है, अदर नेटवर्क में बहुत कम हो गया पहले से अगर आप कंपेयर करो तो। अब चलिए हम कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर करते हैं कि भाई क्या प्लान्स होंगे। अब अगर आपने कल रिचार्ज के लिए किसी शॉप के पास आप गए होंगे, तो वो 399 वाले प्लान को 400 वहाँ पर 9 रुपये का बता रहा होगा, उसमें 10 रुपये का वहाँ पर एडिशन होगा। वो बोल रहा होगा कि 399 वाला रिचार्ज नहीं होता है, या फिर जो भी आप रिचार्ज कराने जाओ वहाँ पर आपको 10 रुपीज़ वहाँ पर एक्स्ट्रा बोला जा रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा है, आप 10, 20, 30, 50 जो भी आप टॉपअप करो, सॉरी 10, 20, 50, 100 का जो भी आप टॉपअप करो, वो एक ऑप्शनल रिचार्ज है, आपका मर्जी है। अगर आप करना चाहो तो करो, नहीं मर्जी है तो आप नहीं भी कर सकते हो। और जो टॉपअप रिचार्ज होगा उसका वहाँ पर कोई भी वैलिडिटी नहीं है, वो अनलिमिटेड टाइम चलेगा। जब तक आपका वो ख़त्म नहीं होता बैलेंस, तब तक वो चलेगा ही। हर 10 रुपये के रिचार्ज पे आपको 1 से 24 मिनट का आउटगोइंग कॉल मिलेगा, और उसके बदले में जियो आपको हर 10 रुपये पे 1 GB का डेटा फ्री में दे रहा है। अब ये रिचार्जेस जो है ऑप्शनल है, जो भी रिचार्ज प्लान थे वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब बात हम करते हैं जियो फोन प्लान्स के बारे में। अगर आप जियो फोन यूज़ करते हो, तो अगर आप पहले 49 का करते थे रिचार्ज, 99 का करते थे, या फिर 153 का करते थे, आप जो भी करते थे अब भी वैसा ही करोगे। अगर आप दूसरे नंबर में बात करते हो तो वहाँ पर आपको 10 का एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो जियो फोन प्लान्स वैसे ही रहेंगे, आपके सभी जियो के प्लान्स वैसे ही रहेंगे। अगर आप चाहो तो टॉपअप रिचार्ज करवाओ उसके साथ, अगर आप ना चाहो तो आप 399 वाला ही रिचार्ज कर सकते हो। रिटेलर को जाके बोलो मुझे एक्स्ट्रा रिचार्ज नहीं करवाना है, मैं मजबूर नहीं हूँ कि मुझे वो करवाना ही पड़े, क्योंकि हम जियो टू जियो भी बात कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं तो आप क्यों करवाओगे, नॉर्मल सी बात यहाँ पर ये है। बट एक सवाल जो सबसे यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर लोगों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है कि जब एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने यहाँ पर नहीं किया इस चीज़ को, तो जियो ने ऐसा क्यों किया। ये सवाल हम भी करते हैं जियो वाले से कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। मैं सब चीज़ मानता हूँ कि ट्राई ने ऐसा नियम लगाया है, पहले भी था, आपको देना पड़ रहा था, वो बोला था कि ये नियम हट जाएगा, आयुषी चार्जेस वो ख़त्म किया जाएगा। तो जब पहले से ऐसा कुछ था, आपको पहले भी लग रहा था, तो आप कुछ दिन वेट कर लेते, देख लेते। कस्टमर पे ये डायरेक्टली थोपना सही बात नहीं है, बट एक मजबूरी भी है, सभी लोग जियो यूज़ करते हैं। अगर जियो ऐसा कुछ कर दे, मानो रिचार्ज प्लान को महंगे ही कर दे, तो कस्टमर कुछ कर सकते हो आप लोग, नहीं कर सकते। तो भाई अगर आपको जियो सही लगता है तो सही है, अगर सही नहीं लगता तो दूसरा नंबर अवेलेबल है, आप जा सकते हो। बट हम आपको कुछ भी नहीं बोलते, रहने नहीं बोलते, जाने नहीं बोलते, हमारा काम है सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा।
अगर ऐसा लगता है तो एक लाइक इसे जरूर देना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके ही जाना। तो दोस्तों मिलता है एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।